बार फिर से कोरोना वायरस बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और बढ़ते कोरोना वायरस के चलते प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन बढ़ते संक्रमण पर कंट्रोल करने में हम नाकाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन संक्रमण से ग्रस्त होकर लोगों की जान गंवानी पड़ रही है। पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव एवं पूर्व सीएम लल्लू प्रसाद यादव के दामाद रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि सरकार कोरोना वैक्सीन का आयात बढ़ाए और साथ ही उचित लॉकडाउन लगाए ताकि बढ़ते संक्रमण पर काबू पाया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड-19 के नियमों की सख्ती से पालना करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक दूरी व फेस मास्क लगाना जरूरी होगा, तभी बढ़ते संक्रमण को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू इस बढ़ते संक्रमण को रोकने में काफी नहीं है, जिसे ध्यान में रखते हुए अब कुछ समय के लिए फिर से उचित लॉकडाउन लगाकर नियमों का पालन करवाना चाहिए ताकि इस बढ़ते संक्रमण को खत्म किया जा सके। मैं तो इस सरकार से यही कहूँगा, क्योंकि कोरोना वायरस आप जानते हैं कि कितनी भारी तादाद से आज देश भर के अंदर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें वैक्सीन की जो आयात है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक नाइट कर्फ्यू की बात है, आप देखिए नाइट कर्फ्यू इन लोगों ने लगाया, उससे मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो रहा है। या तो सरकार जो है एक सही तरीके से लॉकडाउन कुछ दिन के लिए लगाए और आयात बढ़ाए वैक्सीन की, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो कोशिश यही है कि इतना बड़ा जो ये एपिडेमिक है पूरे देश भर के अंदर है, इसको संभालने की आज देश के अंदर ज़रूरत है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, डेथ भी हो रही है, देखिए उसके अंदर तो ये है कि जो डॉक्टर लगा रहे हैं वो स्वयं भी ये बात कह रहे हैं कि टीका लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना नहीं होगा, पर उसकी वजह से जो ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है वो आप लोगों को उससे नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये बचाव का है, तो आपको मास्क लगाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आने वाले समय के अंदर भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बचाव बचाव के अंदर ही है। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।